ये वीडियो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का है। जमीन पर तिरंगा झंडा रखा होता है तो पीएम मोदी झुकते हैं और तिरंगे झंडे को उठाकर जेब में रख लेते हैं। जोहान्सबर्ग से सामने आया पीएम मोदी का ये वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इस जगह पर ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने वाले सभी देशों के झंडे रखे हुए थे और इसका उद्देश्य था कि जिस जगह पर जिस देश का झंडा रखा हुआ है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष उसी जगह पर खड़ा होगा। पीएम मोदी ने जब भारत के तिरंगे झंडे को जमीन पर देखा तो उन्होंने झुककर झंडे को उठाया और जेब में रख लिया। पीएम मोदी को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अपने देश के झंडे को जमीन से उठा लिया और देखते ही देखते पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। आपको बताएं तो इस वक्त पीएम मोदी ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मौजूद हैं। 23 अगस्त का दिन भारत के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। भारत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। भारत की सफलता पर दुनिया ने तालियां भी बजाई। जो लोग पहले भारत की काबिलियत पर शक करते थे अब वो भारत की तारीफ करते हुए नजर आए। आपको बताएं तो चंद्रयान की लैंडिंग के समय पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में थे और ऐसे में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने पीएम मोदी को भारत की इतनी बड़ी सफलता की खबर मिली। खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी को जब भारत की सफलता की बात पता चली तो वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। आपको बताएं तो चंद्रयान की सफलता से भारत का मान अब दुनिया में कई गुना बढ़ गया है। खासकर चीन को अब ये संदेश मिल गया है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक होगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव चल रहा है और ऐसे में दोनों देशों में तनाव के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अनौपचारिक बातचीत भी हुई है और ऐसे में चीन को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत पर बुरी नजर डालने वाले अब सावधान हो जाएं।